शंकर भगवान की जय, आदिशक्ति महामाया भगवती मैया की जय, अपने गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय। सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक दोस्तों, हम आ गए हैं बारां जिले में और यहाँ महाराज अघोड़ी जी यहीं रहते हैं और अभी हम आपको उनके दर्शन कराएंगे। पहले हम यहाँ ये माता पार्वती गंगा मैया बह रही है, इसमें यहाँ पर शंकर भगवान विराजमान हैं और हम आपको पहले दर्शन करा देते हैं। और चलते हैं दोस्तों महाराज जी के पास और महाराज जी से हम आपको बात कराएंगे और अपने जीवन के बारे में बताएंगे जो भी है। सियाराम महाराज। सीताराम। देखिए दोस्तों, महाराज बनना भी छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों। महाराज जी आपका शुभ नाम? हरिओम दास त्यागी। हरिओम दास त्यागी। तो महाराज जी आप पहले कहाँ थे महाराज? ग्राम मंडोला। मंडोला जी। तो आप साधु में भेष में कब से आए हो महाराज? हमको हो गए 40 साल। 40 साल आप साधु वेश में आ गए थे जी। और इस स्थान पर आपको कितने साल हो गए? जहाँ हुआ है हमको 4 साल। 4 साल। पहले कहाँ थे महाराज जी आप? मंडोला। मंडोला, ये मंडोला कहाँ पड़ता है? जी बारह के पास में, भूल भूल ये चौराहे। अच्छा, बताइए महाराज जी और अपने जीवन के बारे में जो भी आपके। राम इच्छा से सब चल रहा है काम, उसकी कृपा है, गुरु की कृपा चल रही है, बरस रही है और जमुना मैया मेरे साथ रहती है, उसकी सेवा करता हूँ जमुना की। जमुना मैया की? हाँ, उसका भी फोटो लेना है जमुना का साथ में। अच्छा, साथ जमुना है। कहाँ है महाराज? देखना उसको, दिख रही है आपको? कहाँ बैठी है? उसका फोटो लेगी साथ में बैठी, जमुना मेरी एक आत्मा है। बच्चे लोग आ रहे हैं, मैं इसको लंगोटी उतार लो। और गुरुजी ये आपके यहाँ क्या रखा है? क्या है ये क्या जी? हाँ जी, कागज है मेरा, दिखाइए। लो देखो। देखिए महाराज जी का प्रूफ है, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और दूसरा जाता मैं उठा दूँ। इधर से बताऊँ घूमा। तो आपको 40 साल हो गए? 40 साल हो गए। इसको भी बताऊं नेचर वाले? बता दी। तो आपका जीवन कैसे बीता 40 साल तक? भाई जमुना की गोदी में। अच्छा, यहाँ जमुना माता की गोदी में रहता हूँ। अच्छा, जहाँ पार्वती मैया है। हाँ। कौन से काड़े से महाराज जी आप? हम जी इसमें सब तो लिखा इसमें। अच्छा, और क्या महाराज जी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए स्वभाव कड़क है महाराज जी का जी। और जो भी देख लीजिए आप, कर लीजिए दर्शन महाराज जी के। और महाराज जी यहाँ पर ये विराजमान हैं, ये जी लहरीदास हैं। अच्छा, लहरीदास जी। जी लहरीदास। तो चलते हैं महाराज जी से, अब कराते हैं आपकी बात।
सियाराम जी महाराज जी। सियाराम माता, सियाराम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लहरी दास है। लहरी दास जी, तो महाराज जी आपकी उम्र कितनी होगी? होगी मेरी 81 साल उम्र है, 81। 81 साल। तो हमारे दर्शकों को कोई ऐसी कहावत बताइए जिसे वो आपको सुने। संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, और जो जो पग धरनी धरे तो कूटन गंग समान। समान संतों के सत्संग से छूटे पाप महान, उनकी महिमा अमत है कूटन गंग समान। संत मिलन और हरि भजन जग में दुर्लभ दोही, धन दारा और लक्ष्मी जी सबका ऊके होई। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नजी पर लोक सुधारा। सिया राम में सब रूप, श्री राम बोल रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, साधुओं द्वारा शरीर पर भस्म धारण करना एक प्रकार से वस्त्र धारण करना है। ये भस्म उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। भगवान शिव बिना भस्म और रुद्रास धारण किए पूजा पाठ फल नहीं देते हैं, इसलिए भी भस्म जरूरी है। दोस्तों, देख रहे हैं आप, महाराज जी से हमने चार दिन पहले हमने कॉल किया, महाराज जी से अनुमति ली, फिर जब जा कर के महाराज जी ने हमें अनुमति दी, फिर वीडियो बनाई और महाराज जी राजी हुए। और दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में टाइम लगता है, रिस्क भी लेनी पड़ती है। महाराज जी से 4-8 दिन पहले से हम कोशिश कर रहे थे कि महाराज जी हमें एक वीडियो बनवा दीजिए, लेकिन महाराज जी ने हमें आज जाके टाइम दिया। और महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? श्री गुरु चरण सरोज रजै, निज मन मुकर सुधार, वर नव रघुवर विमल सहजोधा, एक पल चार बुद्धिहीन तन जान के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह सब हरो कलेश विकार। सीताराम 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 सीताराम। शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति महामाया भगवती मैया की जय। अपने गुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सीताराम 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 सीताराम। ठीक।